होकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज के दिन का शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं अपने इस छोटे से टॉपिक पे। तो दोस्तों टॉपिक जो है हमारा आज का उच्चायुक्त और राजदूत को लेकर है। उच्चायुक्त दोस्तों क्या होते हैं, जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहा है वहाँ पर उच्चायुक्त को नियुक्त किया जाता है, और जो देश ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा है वहाँ पर राजदूत को नियुक्त किया जाता है। यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उच्चायुक्त कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नियुक्त किए जाते हैं और राजदूत नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग इनके बीच में जो डिफरेंट है, और आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। इस पॉइंट को देखते हैं, मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे राजदूत यानी कि वो कंट्री वहाँ पर नियुक्त करते हैं जो कभी भी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जो रोमानिया है वह भी कभी भी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, रवीश कुमार अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड गवर्नमेंट। यहाँ भी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा, सुशील कुमार सिंघल अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू पापुआ निगमी। दोस्तों पापुआ निगमी जो है वो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहा, इसलिए वहाँ पर हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वो ब्रिटेन के अधीन रहा है। कई सालों तक हमारा देश ब्रिटेन के अधीन रहा, 1947 को हमारा देश ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, इसलिए अधीन रहा, इसलिए यहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये ब्रांड ये एम्बेसडर और हाई कमिश्नर हैं, और हमारे ये ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। जय हिंद।